हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली। बहुत खुश है माशाल्लाह से, मैं भी बहुत खुश हूँ। आप सबको हैप्पी दिवाली बहुत बहुत ज़्यादा। जितने भी हमारे भाई हैं सब सबको एड टू जेड दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपना ध्यान रखना, थोड़ा बच्चों से दूर रखना पटाखे, क्योंकि दिवाली का मौका है। क्योंकि हर आदमी, हर छोटे बच्चे सभी खुश है माशाल्लाह से, और खुश रहना भी चाहिए क्योंकि दिवाली है। तुम्हें पता ही, हमारे इंडिया में दिवाली ईद कैसे तरीके से मनाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय होता है। मुझे तो खैर काफ़ी टाइम हो गया, 8-9 साल हो गए हैं दिवाली में भी और ईद पे भी, तो हम कभी मना नहीं पाए। बचपने में कभी मनाई थी माशाल्लाह से, बहुत अच्छा रहता था टाइम। अब सऊदी में देखते हैं तो बस आपको यही मुबारकबाद दे सकते हैं, या फिर न्यूज़ पे देख लेते हैं कि आज क्या हुआ हैप्पी दिवाली पे, दिवाली पे क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो थोड़ा न्यूज़ पे भी आ जाता है। तो दोस्तों, बस ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद, और थोड़ा जो कि पटाखे होते हैं वो बच्चों से थोड़ा दूर रखिए, और अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बता रहा हूँ दोस्तों, मैं वैसे तो सब भाई जानते ही हैं, और बस पर मेरा भी थोड़ा सा कहना है ये कि जो भाई गरीब हैं उनका थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना बादशाह, क्योंकि ये दिवाली सबकी होती है, गरीब अमीर कोई भी हो, ये सभी की दिवाली होती है। दिवाली हुई, ईद हुई, ये सबकी होती है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता इसमें। ये त्योहार जो है सभी एंजॉय करते हैं। ओके भाइयों, अपना ध्यान रखना, और दुआओं में हमें भी याद रखना, दिवाली में हमारा भी जिक्र रखना। जो भाई हमें जानते हैं और जो नहीं जानते वे भी हमारा ध्यान रखना। चैनल को तो खैर काफ़ी जानते हैं, तो अपना ध्यान रखना, हमारा भी ध्यान रखना। तो बस यही था दोस्तों, अब मैं रखता हूँ, अपना ध्यान रखना। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं आज ड्यूटी पे थोड़ा मॉर्निंग में आया था, इसलिए थोड़ा लेट हो चुका मैं, तो आपको विश करना मैं लेट हो गया, तो कोई बात नहीं यार दोस्तों। विश मैंने आपको किया, सेम टू यू। आप बोल देना कमेंट में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।